हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इजी किचन हैक्स में। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड से रसमलाई, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही कम टाइम में बन करके तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है आधा लीटर दूध और इसे मैंने गैस पे रख दिया है बॉईल होने के लिए। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें एक उबाल आ गई है और ऊपर ऊपर मलाई जम गई है। इस दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक ये दूध आधा नहीं हो जाता। गैस की फ्लेम को आप लो या फिर मीडियम रखिए और लगातार चलाते हुए इसे आधा होने तक, थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। दूध बॉईल होते होते पूरा आधा हो गया है, तब हम यहाँ पे डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे काजू और बादाम पिस्ता काट लिया है और यहाँ पे मिठास के लिए हम 5 से 6 चम्मच इसमें डालेंगे शक्कर। आप जितना मीठा करना चाहते हैं उस हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 चम्मच शक्कर डाला है। थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे ताकि शक्कर अच्छी तरीके से पिघल जाए। गाढ़ा हो गया है और इसमें हमने जो शक्कर डाला था वो भी अच्छे से पिघल गया है और जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इस दूध को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी बनाएंगे रसमलाई। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। जब तक हमारा वहां पे मलाई ठंडा हो रहा है, यहाँ पे हम ब्रेड को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। लिया है 1 ग्लास इस तरीके की ग्लास और इसे हम कट करेंगे। ये देखिए, आपको इस तरीके से काट लेना है सारे ब्रेड में। आप अगर थोड़ा छोटे साइज का कोई शेप लेते हैं तो आप एक ब्रेड में 2 शेप भी काट सकते हैं, 2 राउंड शेप भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले ली है 1 बाउल और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे अपनी ये कटी हुई ब्रेड। और यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना ये मिक्सर, मलाई मिक्सर। अब हम इसे डालेंगे इस ब्रेड के ऊपर। हमारी ब्रेड मलाई बन करके तैयार है। आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखिए, जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद सर्व करिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर ठंडा खाना नहीं पसंद करते हैं तब। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं और इतनी मलाई में आप आराम से 7 से 8 रसमलाई बना सकते हैं। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।